दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। चिंतन को बोल रहा था, ये तो दलितवादी नेताओं ने उनके दिमाग खराब किए, उनके मन में खामखा जहर भर रहे हैं, समाज की जो समरसता है उसको बिगाड़ रहे हैं अपनी तुच्छ लीडरी के लिए। खैर छोड़िए, परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि कब आपको किस व्यक्ति के सहयोग की जरूरत पड़ जाएगी। समाज की व्यवस्था इसी तरह चल रही है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेषता है, कुछ न कुछ कर्म कुशलता है, उससे जैसे ही हम सबका सुख बढ़ाने के साथ जुड़ते हैं वैसे ही हम ईश्वर की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। तो दो काम करना, एक रोज थोड़े वक्त बैठकर ईश्वर की कृपा मांगना और दूसरे अपने से निचले स्तर के लोगों पर जितना हो सके कुछ कृपा बरसाना। तो ईश्वर अगर आपको दिखाई देने लग जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, आप ईश्वर को मानते हैं ये बताइए, भगवान को मानते हैं आप? सच सच बताइए, कोई ऐसे हैं जो भगवान को ना मानते हो? ऐसे कोई नहीं है, आप यहां सब भगवान में विश्वास करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा ईश्वर में विश्वास है तो, पर पूरा नहीं है, आधा अधूरा है। अच्छा कैसे? अच्छा, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को मानते तो हो लेकिन ये भी सोचते हो कि दिखता तो है नहीं, माने कैसे? आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान को नहीं मानते और उनके पास एक ही तर्क है कि दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी दो मिनट में आपको भगवान के दर्शन करा दूं? तैयार हैं आप? तैयार हैं? दक्षिणा लूंगा। तैयार हैं? दक्षिणा देख के जानने को तैयार हैं? है जी। अच्छा चलो, लूंगा जरूर, ध्यान रखना, अभी अभी मांगूंगा। चलिए, ईश्वर दिखते हैं, दिखाई देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि भगवान दिखाई नहीं देते, पर देखने देखने का अंतर है। कैसे दिखेंगे, किस तरह दिखेंगे, वो बात समझिए। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप पांच तरह से देखते हो, संसार की जितनी चीजें हैं उन्हें आप पांच तरह से देखते हो, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से और त्वचा से, खाल से, स्पर्श से। जब आपने बहुत बढ़िया हलवा बनाया और आपने अपने पति, बच्चे, घर के लोगों को कहा कि खाओ, तो कहते हैं नहीं, नहीं खाते अभी। तो आप कहती हैं खाकर तो देखो, ये देखना है कि नहीं? तभी तो कहते हो खा करके देखो, चक्कर के देखो। अच्छा, हलवे का स्वाद दिखता है आंख से? दिखता है आंख से स्वाद कैसा है हलवे का? आंख से देखा कभी आपने? पर क्या हलवे में कोई स्वाद नहीं है? हलवे का स्वाद दिखता है जीभ से, चक्कर तो देखो। कभी आपने प्रभाकर जी के गीत सुने हैं? अरे सुनकर तो देखो, क्या आनंद आएगा, सुनकर तो देखो। अच्छा, संगीत का आनंद आंख से लेते हो? आंख से लेते हैं आप संगीत का आनंद? कान से लेते हो ना? तो कान का देखना यानी कान का जानना, शब्द को आप जानेंगे कान से। जहां साइज है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, रूप रंग है, उसको आप देखोगे आंख से। आंख से खाली रूप रंग दिखेगा, फूल का रूप रंग आप आंख से देखते हो, फूल की खुशबू नाक से देखते हो। तो अगर खुशबू आंख से नहीं दिखाई देती तो क्या आप ये कह देते हो कि खुशबू नहीं दिखती इसलिए हम नहीं मानते? अरे खुशबू को देखने का अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग रास्ता है, अलग तरीका है। नाक से देखो, सूंघ करके तो देखो, पता चलेगा कैसी खुशबू है। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं उनमें पांच ही क्वालिटी है। शब्द है जो आप कान से सुन लेते हो, रूप है जो आप आंख से देख लेते हो, स्पर्श है जो आप त्वचा से देख लेते हो, टेस्ट है, स्वाद है जो आप जीभ से चख लेते हो, गंध है जो आप नाक से देख लेते हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इन पांच इंद्रियों के द्वारा दुनिया की इन पांच चीजों को ही जान पाते हो बस। मैंने भूकंप से पहले वाले उत्सव में एक भाषण दिया था और बच्चों से पूछा था और बच्चे मान गए
और सबसे बढ़िया जवाब दिए शुचि ने, डॉक्टर प्रदीप जी की बेटी ने, जिसने 10वीं क्लास में 92% मार्क्स लाए हैं। सब बच्चों को पढ़ने में पूरी मेहनत करके अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए। अभी टेस्ट लेता हूं बच्चों से। बच्चे बताएंगे, बड़े लोग नहीं, छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ लिख रहे हैं 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं, 12वीं, बताइए ये पेन आपको दिख रहा है? पेन दिख रहा है? सच्ची बात है, पेन दिख रहा है? हैं? अच्छा, साइंस से पूछो, अकॉर्डिंग टू साइंस आप पेन को नहीं देख रहे। पेन नहीं देखा आपने? आपने क्या देखा? पेन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर, यहां से पीला, यहां से सफेद, यही तो देखा ना? पेन नहीं देखा है। साइंस कहती है आप किसी मैटर को कभी नहीं देखते, मैटर की क्वालिटीज देखते हैं, एट्रीब्यूट्स देखते हैं। आपने इस पेन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और रंग देखे, पेन नहीं देखा, पेन नहीं देखा। ये तो पेन के गुण हैं, पेन की कुछ क्वालिटी है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर, ये आपने आंख से देख लिया। पेन में आवाज है, ये आपने आंख से देखा, कान से देखा, पर अभी पेन नहीं सुना आपने। पेन को सुना क्या? पेन को तो नहीं सुना ना, पेन की आवाज सुनी है। पेन अभी आपकी पकड़ से बाहर है, ये पेंसिल। आपने इस पेन में टेस्ट कैसा है चेक कर देखो, फीका, कोई मजा नहीं, ठीक है, पर कुछ तो है टेस्ट, तो आपको पता लगा कि इसमें फीकापन है और कोई टेस्ट नहीं है। ये भी पेन का एक गुण है, आपने पेन को नहीं देखा, पेन का टेस्ट चखा। आपने पेन को सूंघ कर देखा, पेन को सूंघ कर देखा, इसमें किसी एक तरह की स्मेल आ रही है, ये भी पेन की एक गंध है, पेन का एक गुण है, पेन तो नहीं है। आपने पेन को छू कर देखा, यहां से ऊंचा है, यहां से पतला है, कोमल है, चिकना है, ये पेन के गुण हैं, ये भी पेन नहीं है, ये चिकना और कठोर, आपने पेन के गुण जान लिए हाथ से छू करके। और पेन क्या करता है? पेंसिल क्या करती है? लिखती है। ये आपने किससे जाना? ये आपने बुद्धि से जान लिया, इसका उपयोग, इसका यूटिलाइजेशन, ये भी इसका एक गुण है। बट व्हाट इज द पेन? पेन क्या है? तो साइंस कहती है, और बिल्कुल ठीक कहती है, आप किसी चीज को कभी नहीं देखते, आप सिर्फ उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और रंग देखते हो। आप किसी चीज को कभी नहीं सुनते, आप उसकी आवाज सुनते हो। आप किसी चीज को कभी नहीं चखते, आप उसका टेस्ट महसूस करते हो। इन पांचों चीजों से, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ से आप पांच गुण पहचान लेते हो किसी भी वस्तु के। वो चीज हमेशा आपके ज्ञान से बाहर रहती है। तो जिस चीज में जो गुण है आप वही तो पहचान पाओगे। जिसमें टेस्ट होगा उसको आप जीभ से चख लोगे, जिसमें रूप रंग होगा उसे आप आंख से देख लोगे, जिसमें स्पर्श होगा उसे आप त्वचा से देख लोगे, जिसमें गंध होगी उसे आप नाक से देख लोगे, लेकिन जिसमें शब्द न हो, स्पर्श न हो, गंध न हो, रूप न हो, रस न हो, उसे आप कैसे जानोगे? अच्छा, आपके पति आपको प्यार करते हैं, आपकी पत्नी आपको प्यार करती है, आपका बेटा आपको प्यार करता है, आपकी मम्मी आपको प्यार करती हैं, या आपने आंख से जाना, जीभ से चख के देखा, नाक से सूंघ के देखा, कान से सुन के देखा, हाथ से पकड़ के देखा, कहां से जाना? मन से जाना है ना, प्रेम है तो सही दुनिया में। तो जिस चीज को आप जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस तरीके से जान सकते हैं, देख सकते हैं, वो तरीका अपनाओ। तो ईश्वर का एक हिस्सा आपको आंख से दिखता है, और एक बुद्धि से दिखता है, और एक मन से और आत्मा से दिखता है। आंखों से दिखने वाला ईश्वर दिखाऊं? इतना बड़ा संसार क्या मैंने बनाया है या आपने? किसने बनाया है? तुमको ये ईश्वर का एक गुण नहीं दिखाई दे रहा, उसका निर्माण, उसकी व्यवस्था, उसका ऑर्गेनाइजेशन? अरे दुनिया की सब चीजों के गुण ही तो देखते हो, पेन थोड़ा ही देखा आपने, पेन के गुण देखे। तो भगवान का एक गुण, एक कार्य स्पष्ट दिख रहा है। इतना बड़ा संसार, वृक्ष उग रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सूर्य समय पर उग रहा है, चंद्रमा उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन और इंतजाम, और इतना बड़ा विराट जगत जिसने बनाकर तैयार किया, इसके पीछे कौन है? उसका ये विराट कार्य आपको दिख रहा है, ये ईश्वर का एक गुण आपने आंखों से देख लिया। दिख गया ना ईश्वर? एक गुण बुद्धि से दिखता है, उसका न्याय, उसकी दया, उसकी व्यवस्था।
और उसका जो आनंद गुण है वो मन को जब आप आत्मा में जोड़कर प्रार्थना और उपासना में उतरते हो तब उस साधना पद्धति के द्वारा दिखता है, उस आनंद को आप महसूस कर पाएंगे जैसे ही आप उसकी प्रार्थना और उपासना में उतरोगे। ये बहुत अच्छा है कि ईश्वर उस रूप में नहीं दिखता जिस रूप में आपको ये माइक दिख रहा है, ये खंबा दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, नहीं तो सारी न्याय व्यवस्था और कार्य प्रणाली गड़बड़ हो जाती। एक चीज आपको सुनाऊंगा और फिर बात खत्म कर दूंगा। पहले तो मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि आपका ईश्वर में विश्वास पूरा नहीं है। ईश्वर में विश्वास अगर पूरा हो तो जैसे ही हम कुछ गलत काम करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, अगर हम ईश्वर को मानते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर न्याय करता है और ईश्वर वहां मौजूद है, देख रहा है, विश्वास ये एहसास के तल पर अगर है तो कुछ भी गलत करते हुए ध्यान आ जाएगा, अरे ईश्वर मौजूद है, देख रहा है। लेकिन एहसास तो नहीं होता ना, और हम गलत जो कुछ भी करना है चुपके से करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ईश्वर देख रहा है, तो फिर उस समय हमारा विश्वास ईश्वर विश्वास हो जाता है। सतत जागरूकता रहे ईश्वर के अस्तित्व की, उसकी सर्वव्यापक होने की, उसकी न्यायकारिता की, उसकी मौजूदगी का एहसास अगर हो तो व्यक्ति उसके हाथ, उसके पैर, उसकी इंद्रियां गलत कामों की ओर नहीं बढ़ेंगी, जीवन उसका हमेशा धर्मयुक्त कार्यों की ओर होगा। तो एक छोटी सी बात आपको सुनाऊंगा, छोटी सी है, 2 मिनट की। इस समय देश के श्रम मंत्री हैं साहिब सिंह वर्मा, कभी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते थे। दिल्ली एक प्रदेश भी है और दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, पूरे देश की राजधानी भी है दिल्ली भी, दिल्ली और दिल्ली एक प्रदेश भी है, तो प्रदेश की भी गवर्नमेंट होती है। तो प्रदेश की गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जैसे आपके नरेंद्र मोदी हैं, इसी तरह साहिब सिंह वर्मा कभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। तो उनके एक बिजली विभाग के मंत्री थे जो बिजली का डिपार्टमेंट संभालते थे, तो वो बिजली विभाग के मिनिस्टर दिल्ली में एक कनाट प्लेस का एरिया है, कनाट प्लेस बहुत शानदार इलाका जहां बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी शानदार इमारतें, साफ सुथरा, वो इलाका कनाट प्लेस का है, बड़ी दुकानें जहां कीमती चीजें बिकती हैं। तो कनाट प्लेस के इलाके में वो बिजली विभाग के मिनिस्टर अपनी गर्लफ्रेंड को, महिला मित्र को कार के बगल में, बगल वाली सीट पर बिठाए हुए शाम के समय तफरी के मूड में घूम रहे थे, मस्ती में। तभी उनका मोबाइल फोन मिला, मोबाइल फोन पर घंटी बजी, तो उन्होंने देखा अरे मुख्यमंत्री का फोन है, चीफ मिनिस्टर का फोन है। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुसीबत हो गई, ये जो मस्ती है ये सब छोड़ देनी पड़ेगी, जाने कौन सा काम बता दें, किसी मीटिंग में बुला लें। तो उन्होंने फोन को ऑन तो करना ही था भाई, घंटी बज रही है, मुख्यमंत्री का फोन है। तो उन्होंने फोन को ऑन करके पूछा, हेलो। मुख्यमंत्री ने कहा, हाँ भाई कहाँ हो? तो ये बिजली विभाग के मिनिस्टर बोले कि मुसीबत से बच जाऊं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कोई काम ना बता दे, कुछ मीटिंग में ना बुला ले और ये मस्ती खराब ना हो जाए। तो उन्होंने झूठ बोला और बोले कि जी मैं तो इधर यमुना के पार शाहदरा के इलाके में हूँ, यहाँ जनता की कुछ प्रॉब्लम थी बिजली वगैरह की, तो वो सब सुलझाने के लिए आया हुआ हूँ, और अगर आपके पास आऊं तो अभी 2-3 घंटे लगेंगे, ऐसे ही अपनी तरफ से बोलने लगे। तो चीफ मिनिस्टर ने पूछा साहिब सिंह वर्मा ने कि अच्छा शाहदरा में घूम रहे हो? कहाँ जी, शाहदरा में हूँ। तो वहां क्या कर रहे हो? जी जनता की बड़ी समस्याएं थी, यहाँ बिजली नहीं आती, कुछ ऐसा वैसा हो गया था, वो सब मैं सुलझा रहा हूँ, और लोगों को मैंने ऑफिसर्स को बोला है कि यहाँ इतने दिन में सारी व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए, लोड शेडिंग और ये सब नहीं होनी चाहिए, तो ये सब कर रहा हूँ। तो साहिब सिंह वर्मा ने कहा अच्छा जमुना पार हो, शाहदरा के इलाके में? कहाँ जी, शाहदरा पार घूम रहा हूँ। तो चीफ मिनिस्टर बोले अच्छा जरा पीछे घूम के देखो। तो पीछे घूम के देखा तो पीछे वाली कार में चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा अपने मोबाइल से इनके मोबाइल पे फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कहाँ हो। झूठ बोला, झूठ बोला, अभी पकड़ा गया, क्योंकि बॉस चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पीछे वाली कार में है, देख रहा था। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉस है, जो सबसे बड़ा स्वामी है, उसकी निगाहों से बच नहीं सकते, हम उसे ना देख पाए, देखने की कोशिश ना करें, जबकि मैंने तो दिखा भी दिया, अभी दिया, भूल गया था दक्षिणा मांगना, अभी मांगता। तो उसकी निगाहों से बच नहीं सकोगे, इसलिए अपने अपने कर्म को संभाल लेना, ईश्वर की न्यायकारिता के, ईश्वर के रुद्र रूप के चंगुल में मत फंस जाना, निरंतर उसका शिव स्वरूप, उसका कल्याणमय स्वरूप तुम्हारे ऊपर रहे, इस बात की सतत सावधानी चाहिए। अपने विचारों पर ध्यान देना,
जो तुम अंदर अंदर बार बार सोच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो टीवी पर इधर उधर, जो भी सीन, जो भी दृश्य अंदर तुम्हारे, जो मेटीरियल जा रहा है, जो विचारों की सामग्री है, सोच की, थिंकिंग की, उस पर ध्यान देना। एक दिन वो विचार तुम्हारे शब्द बनकर निकलेंगे। तुम जो सोच रहे हो वही मुख से निकल पड़ता है। मेरे होठों पे दुआ, प्रार्थना, शुभकामना। मेरे होठों पे दुआ, उसकी जुबां पर गाली। मेरे होठों पे दुआ, उसकी जुबां पर गाली। जिसके अंदर जो छुपा था वही बाहर निकला, वही बाहर निकला, निकलेगा बाहर। अपने विचारों पर ध्यान देना। तुम्हारे विचार तुम्हारे शब्द बन जाएंगे, तुम्हारे वाक्य बन जाएंगे, तुम्हारी बातचीत बन जाएंगे। अपनी बातचीत पर ध्यान देना। एक दिन वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बोलोगे, वैसा भी फिर तुम करोगे भी। अपने विचारों पर ध्यान देना, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान देना, वो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। अपने कर्मों पर ध्यान देना, वो तुम्हारी आदत बन जाएंगे। अपनी आदतों पर ध्यान देना, वो तुम्हारे संस्कार बन जाएंगे। अपने कर्म, आदत और संस्कारों पर ध्यान देना, वही तुम्हारे सुख या दुख बदलने वाले हैं। वही कर्म और आदतें तुम्हारे सुख या दुख में कन्वर्ट हैं। ये पूरा साइकिल है, ये पूरा चक्र है। और इस चक्र को जो व्यक्ति संभाल लेता है, इसको केंद्र में रहते हुए जीवन की सिद्धियां उसके नाम हो जाती है। तो ईश्वर को, ईश्वर के किन किन गुणों को आप किस किस तरह से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। उसके आनंदमय गुण को देखने के लिए कुछ देर रोज प्रार्थना और उपासना में उतरें, इतना समय निकाल लें, यही मेरी दक्षिणा है। ठीक है, प्रसन्न हैं आप? इतना रोज कर लीजिए। और दूसरे, परमेश्वर के जो तीन मुख हैं, उनमें कुछ कभी कभी आहुति डालिए, कभी अग्नि में डालकर देखिए, आपके घर का आसपास का वातावरण सुरभित हो जाएगा। कभी जो लाचार कमजोर प्राणी है उनके मुख में कुछ अन्न डालकर देखो, और जो समाज सेवा का काम है उसमें कुछ अपना सहयोग देकर देखो। उसका एक बड़ा शुभ परिणाम रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप तक आएगा। दो मिनट ले लूं आपके? जब आप अग्नि में आहुति देते हैं, दूर भी जाती है उसकी खुशबू, आप तक भी आती है। जब आप किसी असहाय कमजोर प्राणी को भोजन देते हैं, तो उस भोजन को खिलाते हुए सुख वो भी ले रहा है, पर कुछ सुख आपको भी मिला है। नहीं मिला? इमर्सन कहता है, जब किसी अंधे को आप सड़क क्रॉस करा देते हो, तो दूसरे को एक सुख पहुंचाने की कोशिश में कुछ आपको भी अंदर अंदर एक तृप्ति, एक संतोष, एक आनंद की अनुभूति होती है। वो अंधा आपको धन्यवाद दे, आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए कि ये तृप्ति और संतोष पाने का अवसर उसने आपको दिया। आपको भी मिलता है ना कुछ, देने की प्रक्रिया में आप कुछ ले भी रहे होते हैं, एक अद्भुत तृप्ति और संतुष्टि का एहसास, वो उस काम की रिटर्न गिफ्ट। एक तो अभी मिल गई ईश्वर की कृपा से, जितनी मात्रा में आपने दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश की है, उतनी मात्रा में वो सुख आपको ईश्वर की व्यवस्था से कभी बाद में भी मिलेगा। ये दोहरा लाभ है। जैसे ही समाज सेवा के किसी कार्य में दूसरों का दुख दूर करने की प्रक्रिया में आप अपना सहयोग कर रहे होते, आप अपना दुख भूल जाते हो। अरे जिस समय ये खुद शहर तहस नहस हुआ पड़ा था, कुछ लोग थे जो अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से जो कुछ हो सकता था कर रहे थे, और उस दुख की हालत में दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश में उन्होंने अपना दुख भुला दिया था। निश्चित रूप से अपने दुख दूर करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनमें से एक ये है, जैसे ही आप दूसरों का दुख कम करने की कोशिश में उतरते हैं, आपका अपना दुख अपने आप कम होता जाता है, आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। हिंदी के सुकवि कुंवर बेचैन की चार पंक्तियां याद आ गईं। वो कहते हैं, दुखों की आंच पर, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। दूसरों के दुखों की आंच पर आंसू, दूसरों के दुख में जो आपकी आंखों से आंसू निकले, वो जिंदगी के रंग बन जाते हैं। गमों की आंच पर, दुखों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग जिंदगी में उछाल कर देखो। तुम्हारे हृदय की चुभन जरूर कम होगी, तुम्हारे हृदय की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। इतना करते चले जाओ। मुक्ति तक पहुंचने के यही दो रास्ते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने रूपी कर्म, निष्काम भाव से, जो हमारा स्वार्थ जिसमें नहीं था, कुछ ऐसे कर्म भी करें
और दूसरे ईश्वर के पास कुछ देर बैठे। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए संसार के सुखों को भी उपलब्ध कराती है और ईश्वर के आनंद की उपलब्धि भी कराती है। ये कुछ चर्चा मैंने आपसे की। ईश्वर करें आप जीवन के दुखों से पार उतरकर सुख और आनंद और परम आनंद की अनुभूति पा सकें। इन्हीं सद्भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।